हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज मैं फोटोग्राफिशन का जो व्हाइट लाइन का प्रॉब्लम है, मतलब लाइट सा कहीं प्रिंट होता है, जो लाइन लंबा करके जो लाइन लाइट सा प्रिंट होता है, व्हाइट लाइन होता है, उस व्हाइट लाइन का सॉल्व करने के लिए ये वीडियो है। 100% सॉल्व होगा ये वीडियो। तो चलिए हम ये वीडियो आपको दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। इस फोटोकॉपियर मशीन का बैक साइड को हम खोल देते हैं। बैक साइड खोल के देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। तो चलिए बैक साइड को खोल देते हैं और इस वीडियो को थोड़ा हम फास्ट दिखाएंगे, जिससे कि आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम जहाँ पे होगा वहीं पे हम स्लो करके दिखाएंगे, बाकी वीडियो सब हम फास्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। पहले सारा सारे स्क्रू को खोल देते हैं। चलिए पूरा खोल दिया है, अब इसको उतारते हैं। अब जो दिखाना चाहते हैं हम आपको, यहाँ पे देखते हैं ये जो रैम है, रैम को पहले खोल के क्लीन कर लेते हैं। रैम तो क्लीन है। फिर भी रैम को हम और एक बार क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे ये है, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। ये सारा क्लीन करके फिर लगा देंगे, लगा के देखते हैं प्रॉब्लम क्या रैम से हो रहा है कि नहीं, वो देख रहे हैं। देखने के बाद और कहीं और भी चेक करेंगे। देखिए ये जो है, इसको रबर से हम क्लीन कर लेते हैं। ये क्लीन कर दिया, फिर इसको लगा देते हैं। फिर रैम को क्लीन करते हैं। हमेशा ही रबर से ही क्लीन करना पड़ता है रैम को।
क्लीन हो गया, इसको फिर लगा देते हैं। और एक ठो रैम है, इसको भी क्लीन कर देते हैं। दोनों साइड में क्लीन करना पड़ेगा। ये भी क्लीन हो गया, इसको भी लगा देते हैं। तो चलिए फोटो कॉपी करके देखते हैं कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए फिर इसी पेज को फोटो कॉपी करते हैं, पहले वाला जो था जिसमें लाइन दार था, देखिए इसमें जो लाइन है बीचों बीच में एक लाइन सा था, वाइट लाइन। और तो ये काम हम आपको दिखा देते हैं जिससे कि आप समझ में आ जाएगा, ये जो व्हाइट लाइन है ये व्हाइट लाइन ठीक हुआ कि नहीं देख रहे हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं। ये जो रैम को पूछा है, रैम को पूछने के बाद मतलब रैम को क्लीन किया है, तो चलिए रैम को क्लीन करने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हम देख लेते हैं। तो चलिए ये 100% सॉल्यूशन अगर हो जाता है तो चलिए हम फोटोकॉपी करके देख लेते हैं 100% सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। देखिए अभी तो यहाँ पेपर सेलेक्ट करके डन किया, अब देखिए अंदर से पेज को बाहर निकलेगा तो समझ में आएगा क्या हुआ नहीं हुआ। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए लगता है काम हो चुका है। देखिए ओरिजिनल कॉपी से फोटोकॉपी का जो क्वालिटी है बिल्कुल ओरिजिनल से बेहतर हुआ है। और बीचों बीच में जो व्हाइट लाइन था, हम दिखा देते हैं पहले वाला जो कॉपी था उसमें बीचों बीच में व्हाइट लाइन था, इसमें व्हाइट लाइन नहीं है। फिर भी थोड़ा सा एक साइड में एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, थोड़ा हल्का सा, ये प्रॉब्लम ना दिखाने के बराबर ही है, बहुत सा हल्का सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। देखिए पहले जो था पहले बहुत सा डीप सा था। तो चलिए और दो चार कॉपी और आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए ये कैसा कैसा होता था पहले। और जो लाइट पिन था वो हम अलग से एक वीडियो दिखाते हैं लाइट पिन का वजह क्या था। तो चलिए ये जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी से जो फोटोकॉपी किया है फोटोकॉपी बेहतर क्वालिटी निकला है, जो रैम को क्लीन करने के बाद ही और कुछ नहीं, सिर्फ रैम को क्लीन किया उसी के बाद ये जो क्वालिटी निकला है बिल्कुल बेहतर क्वालिटी फोटो प्रिंट हुआ है। ये इसी से आपको अगर आपका मशीन में कभी भी कुछ होता है जो व्हाइट सा लाइन, अगर व्हाइट सा लाइन आपका मशीन में कभी आता है तो आप हमेशा ही कोशिश कीजिए रैम को पूछना। और अगर रैम से ही अगर आता है, सिर्फ रैम से नहीं होता और कुछ वजह हो सकता है जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप हमेशा ही रैम को पहले दफ़ा क्लीन कीजिए। उससे पहले क्लीन करना चाहिए आपको रीडर है जो रीड करता है उसको भी क्लीन करना पड़ता है। रैम को क्लीन करने के बाद ही ये जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। प्रॉब्लम देखिए बिल्कुल क्लीन इमेज है, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल से भी बेहतर है। देख लीजिए ये जो छोटा छोटा लिखाई है, छोटा छोटा लिखाई से ही मालूम पड़ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। देख लीजिए बिल्कुल क्लीन है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। हल्का सा प्रॉब्लम है, रैम को और एक बार अच्छी तरह क्लीन कर लेने से शायद 100% हो जाएगा। अगर और कहीं से प्रॉब्लम हो सकता है तो वो भी
हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है सिर्फ रैम को क्लियर करने की बाद ही। रैम क्लियर किया तो बस ये प्रॉब्लम जो था प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अभी इसको हम फिर से लगा देते हैं, पीछे का रैम जो लगाया हुआ है, पीछे का ढक्कन भी हम लगा देते हैं, इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और कभी भी अगर कुछ और जगह से प्रॉब्लम भी हो सकता है, रैम से हो सकता है, रीडर बोर्ड से भी हो सकता है, ये जो व्हाइट लाइन का प्रॉब्लम है, व्हाइट लाइन का प्रॉब्लम बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो देने के लिए हम तैयारी करते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अच्छा वीडियो हम आपको देते रहेंगे, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो देने के लिए हम तैयारी करते हैं।